मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप ज्ञान पे। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आए हैं, एक लेटेस्ट भर्ती प्रक्रिया लेके आए हैं जो निकल रही है LIC से, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से। ये वैकेंसी आपको मिल रही है जिसमें आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 8581 मिल रही है। तो इसमें कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपके कोई क्वेश्चन है इस भर्ती प्रक्रिया संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी में जानकारी दिखा देते हैं, और इसके बाद में जो PDF विभाग ने जारी की है LIC ने वो दिखा देंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने 8581 ADO की वैकेंसी है, यहां ADO की वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी आई हुई है, और सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। और यहां ऑफिस लेवल की ये वैकेंसी है, या जो है ADO के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है विभाग। इसमें आपको वैकेंसी किस पोस्ट के लिए मिल रही है, ADO, और पदों की संख्या यहां दोबारा बताएगी 8581 पद श्रेणी, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहां सेंट्रल जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सभी राज्यों के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें जॉब मिलेगी, और जॉब के साथ साथ प्रत्येक राज्य की जो LIC ऑफिस है उसमें आपको यह जॉब है मिल जाएगी। तो यहां जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में आपको जॉब मिल जाएगा, आप यदि महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र राज्य में आपको जॉब है मिल जाएगा। हम आपको राज्यों की लिस्ट बताएंगे, कौन कौन से जिलों से आपको वैकेंसी मिल रही है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहे, वेतन भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा मिल रहा है, 34,503 रुपये प्रति माह आपको यहाँ वेतन मिलेगा। तो वेतन भाई इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। आयु सीमा की बात करें तो 30 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं, अधिकतम यहां बताई गई है विभाग के द्वारा, अधिकतम उम्र सीमा कितनी बताई गई है, 30 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, और जो आरक्षित कैटेगरीज हैं जैसे कि SC ST OBC को यहां अलग से छूट मिल जाएगी। और यहां कार्यस्थल बताया गया जो है अखिल भारतीय, कि आपको इसमें कहां भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब हम आपको ये वैकेंसीज कौन से स्टेट से निकल रही है उसकी लिस्ट दिखा देते हैं, और इसके बाद में उसकी PDF। यहां आपको वैकेंसी संबंधी डिटेल्स बताई गई है, जोन नेम बताए गए हैं, किस जोन से आपको वैकेंसी मिल रही है वो जोन बताए गए हैं। तो यहां देख सकते हो सेंट्रल जोन ऑफिस भोपाल में यहां वैकेंसी मिलेगी 525। इसके बाद में कोलकाता का जो ईस्टर्न जोन ऑफिस है उसमें आपको 922 वैकेंसी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका रहता है पटना, यानी कि बिहार, तो बिहार से 701 वैकेंसी, हैदराबाद से 1251 वैकेंसी, न्यू दिल्ली से यहाँ 1130 वैकेंसी, कानपुर से 1042 वैकेंसी, चेन्नई से 1257, और मुंबई से आपको 1753 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। यहाँ वैकेंसी किस पोस्ट के निकल के आई है, अप्रीहेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर ADO की यहाँ वैकेंसी आपको मिल रही है। अब हम आपको नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके दिखाते हैं यहाँ भोपाल का। तो भोपाल का हम आपको इसका जो आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है वो किया है भोपाल जो सेंट्रल जोन ऑफिस है भोपाल का उसका, और यहाँ देख सकते हो वैकेंसी लिस्ट SC ST OBC और जो अन्य कैटेगरीज हैं उनके लिए आरक्षित की गई वैकेंसियों की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। भोपाल, बिलासपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, शंटा, और ये जो यहां बताई गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कितनी कितनी वैकेंसी मिल रही है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्या है कि आप अपने राज्य का जॉब है वहां सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां भोपाल का बताया, तो यहां बहुत सारे जिलों से राज्यों से वैकेंसी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया था, 20 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और इसकी लास्ट डेट 9 जून 2019 रहेगी, मतलब टुडे आज ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 9 जून रहेगी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जॉब की राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके दोस्त के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन डिग्री, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है एनी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं,
यानी कि स्नातक कर रखी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा LIC से जो जॉब निकल रहा था उसकी राइट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही राइट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।